हेलो दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एक पेपर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। इस पेपर के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, राजनीति से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की हमें क्यों आवश्यकता होती है, व्याख्या कीजिए। बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले बताएंगे कि राजनीति किसे कहते हैं, राजनीति का अर्थ बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, और उसके बाद हम बताएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत को हमें स्टडी करने की यानी कि उसको पढ़ने की अध्ययन करने की हमें क्यों जरूरत है। इसके साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के मानकीय और अनुभवाश्रित यानी कि आनुभविक उपागम में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की हमें जरूरत क्यों है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के ये जो दो उपागम है, मानकीय और आनुभविक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, ठीक है, उसके जो उपागम है उनके बारे में बताएंगे, और इसके अंदर हम मानकीय और आनुभविक उपागम में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम मानकीय बताएंगे कि मानकीय उपागम क्या है, ठीक है, आनुभविक क्या है, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद उदारवाद की केंद्रीय अवधारणा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। दोस्तों बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें उदारवाद के बारे में बताना है कि उदारवाद कहते किसे हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या मुख्य विचारधारा है, क्या मुख्य अवधारणा है। व्यक्तिवाद जो है उदारवाद की एक केंद्रीय अवधारणा है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। इसके साथ ही साथ उदारवाद की जो और भी अवधारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इस क्वेश्चन के अंदर बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, उदारवाद क्या है, क्लासिकल उदारवाद और आधुनिक उदारवाद के बीच में अंतर कीजिए। सो दोस्तों बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें उदारवाद के बारे में बताना है कि उदारवाद क्या है। सबसे पहले हम उदारवाद के बारे में बताएंगे, उसकी मुख्य विचारधारा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इसके बाद उसके जो प्रकार है हमें उसके बारे में बताना है। इसमें सबसे पहले हम क्लासिकल उदारवाद के बारे में बताएंगे कि वो क्या है, आधुनिक उदारवाद क्या है, फिर इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में हम इस क्वेश्चन के अंदर बताएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अराजकतावाद क्या है, इसके मुख्य तत्व क्या है, और क्या ये 21वीं सदी में प्रासंगिक है, व्याख्या कीजिए। सो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें अराजकतावाद के बारे में बताना है कि अराजकतावाद क्या है, इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये भी बताना है कि क्या ये 21वीं सेंचुरी के अंदर रिलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद क्या है, इसके मुख्य सिद्धांत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए। सो दोस्तों बेसिकली क्वेश्चन के अंदर ही इसके बारे में बता रखा है कि हमें क्या आंसर करना है, ठीक है। सबसे पहले हम मार्क्सवाद के बारे में बताएंगे, इसमें मार्क्सिज्म के बारे में पूछा गया कि मार्क्सवाद क्या है, तो सबसे पहले हम मार्क्सवाद के बारे में लिखेंगे कि मार्क्सवाद क्या है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है, उसकी मुख्य विचारधारा क्या है, ठीक है, और उसके साथ साथ इसका जो मुख्य सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है, उसकी क्या विचारधारा है, इन सभी चीजों के बारे में हम इस क्वेश्चन के अंदर बताएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत राजनीतिक है, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। बेसिकली दोस्तों हमें इस क्वेश्चन के अंदर नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत को एक्सप्लेन करना है कि वो क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक है, और जो व्यक्तिगत राजनीतिक है यानी कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, इसको हमें एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे दोस्तों बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में यानी कि टिप्पणियों के बारे में। इसमें सबसे पहला टॉपिक है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद एक ऐसा टॉपिक है जो कि शॉर्ट नोट्स के अंदर कई बार पूछा जाता है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है अराजकतावाद। दोस्तों अराजकतावाद एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ विमर्शी लोकतंत्र, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, और उसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई बार एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ अगला टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि राजनीतिक सिद्धांत को हमें स्टडी करने की क्यों जरूरत है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है। सो दोस्तों हम कह सकते हैं इस पेपर के अंदर कई सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें राजनीति एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई बार उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसके जो उपागम है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उदारवाद के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अराजकतावाद, मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद, और इसके साथ ही साथ नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत, रूढ़िवाद, कुछ इस तरह के टॉपिक है जो कि एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जाते हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको इस पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को जानने में मदद मिली होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।